फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। जैसा कि आपको पता ही है, सूरज कंप्यूटर सभी प्रिंटर वगैरह, कोई भी आपका मॉडल हो, कोई भी आपका लैपटॉप प्रिंटर का कोई भी मॉडल हो, एचपी हो, कोई भी हो, सूरज कंप्यूटर सारे प्रिंटर्स रिपेयर करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एचपी इंक टैंक वायरलेस 419 प्रिंटर के बारे में। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जब हम इसको कमांड देते हैं तो इसमें पेपर फंस जाता है। तो इसमें E4 का एरर आता है, जो एक कॉमन एरर होता है इसमें 419 में E4 का एरर आता है। उस कंडीशन में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम करता है ये प्रिंटर, पेपर नहीं खींच पाता, अंदर ही पेपर फंस जाता है और हमारा एरर आ जाता है E4 का एरर। इस प्रकार का इशू होता है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि पेपर अंदर खींच भी नहीं पाता है, फिर भी यही प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक सेंसर होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आज हम खोल के आपको दिखाएंगे उसमें कि ये कौन से सेंसर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, और इसका सॉर्ट आउट इसको हम कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हो उसमें ये पेपर फंस जा रहा है, ये कोशिश करता है खींचने की तो पेपर खींच नहीं पाता है, इस वजह से ये एरर आ जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। प्रिंटर को खोलने के लिए हमारे पास T10 का स्क्रू ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रिंटर होते हैं जेट के, ये सभी T10 स्क्रू ड्राइवर से खुलते हैं। ये एक डिकोडर सेंसर हम इसको बोलते हैं। इस सेंसर को इसमें से ही, इस वजह से ही ये हमारा पेपर पिक नहीं कर पाता है। इसमें डिकोडर होता है, डिकोडर सेंस करता है तो हमारी मैकेनिकल नहीं घूम पाती है, और जब हमारी मैकेनिकल नहीं घूमेगी तो हमारा पेपर अंदर नहीं खींच पाएगा। जब मैकेनिकल पे पेपर आ जाता है, पिकर से तो पेपर लेता है, पिकर के बाद आपका मैकेनिकल पे पेपर आता है, उसके बाद यदि हमारा सेंसर खराब होगा तो हमारी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं करेगी, जिस वजह से हमारा पेपर बाहर नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार इसमें आपने देखा कि ये पेपर नहीं आ रहा है, तो हम दूसरा इसमें अभी एक दूसरा आपको लगा के चेक करा के दिखाएंगे, दूसरा सेंसर। इसमें डिकोडर सेंसर दूसरा लगाया है, इसको मैं पैक करते हूँ। इस सेंसर का काम क्या होता है, ये सेंसर डिकोडर सेंसर होता है जो मैकेनिकल के लिए बना होता है। मैकेनिकल को सेंस करता है कि पेपर कितने पेपर की कमांड है, कितने पेपर इसने अंदर लेने हैं, क्या करना है, सब यही सेंसर कंट्रोल करता है। ये कंट्रोलिंग सेंसर होता है इसका। सेंसर को हम चेंज करके आपको दिखा रहे हैं कि सेंसर चेंज करने से हमारे प्रिंटर पे कैसे, किस प्रकार का फ़र्क पड़ता है, हमारा प्रिंटर पेपर लेना शुरू कर देगा। तो इस सेंसर के बारे में मैंने बताया गया है, ये डिकोडर सेंसर होता है जिसकी वजह से हमारा पेपर, हमारी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं कर पाती है ढंग से, और ये प्रॉब्लम आ जाती है पेपर फंसने वाली। जब हमारी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं करेगी तो पेपर, प्रिंटर पेपर फंसा देता है। अब हमने जैसा कि अभी इसमें स्कैनर, ये आपका सेंसर चेंज करके हमने लगाया, तो हम अब एक बार कमांड देके आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रिंटर रेडी होता है या क्या होता है।
इस प्रकार आप देखोगे हमारे पेपर प्रिंटर ने पेपर लेना स्मूथली शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार आप देखोगे सूरज कंप्यूटर्स, कोई भी प्रिंटर हो आपका, कैसे HP का इंक टैंक प्रिंटर है, जैसे ही अभी मैंने 419 के बारे में बताया, इस प्रकार सूरज कंप्यूटर सभी इंक टैंक प्रिंटर रिपेयर करते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार सूरज कंप्यूटर्स पे अवश्य कॉन्टैक्ट करें, हमारे दिए गए नीचे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको हमारा वीडियो किस प्रकार यूजफुल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे बंदों को भी फ़ायदा हो। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।